ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ WTO, द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द WTO फॉर मेकिंग ऑल फाइनल डिसीजन ऑन अग्रीमेंट्स अंडर इट्स प्रीव्यू। वो कह के जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा वही हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO के अंदर, वही जो बोलेंगे सब कुछ होगा। इट इंक्लूड्स इंटरनेशनल ट्रेड, मिनिस्टर्स फ्रॉम इट्स मेंबर कंट्रीज। द जनरल काउंसिल इज अ बॉडी ऑफ सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द WTO। इट इज बेस्ड एट द WTO हेडक्वार्टर्स इन जिनेवा एंड इज द की डिसीजन मेकिंग आर्म ऑफ द WTO फॉर मोस्ट ऑफ द इश्यूज। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी फॉर सर्विलेंस ऑफ नेशनल ट्रेड पॉलिसी और इट्स मेंबर कंट्री, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड द काउंसिल्स ऑफ ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एज वेल एज द काउंसिल फॉर द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो ये हमें सिर्फ क्या दे रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या, कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन कहाँ बैठेगा। चलो आगे बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के। कंपोज ऑफ द मेंबर नेशन, द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनफोर्स द रूल्स रेगुलेशन एंड एग्रीमेंट्स ऑफ WTO। वो कह रहे हैं कि जैसे कि मेंबर नेशंस के जो गवर्नमेंट है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या है कि भाई जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है और जो एग्रीमेंट्स है उनको देखना। फॉर ओवरसीइंग द एंटायर डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, द DSB इज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट पैनल्स एंड एक्सेप्ट द रिपोर्ट्स एंड ऑल्टर द ऑब्लिगेशन। इनका काम क्या है, इनका काम है पूरे डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम को देखना, ठीक है। तो पूरी तरीके मतलब जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उनका काम है इस सिस्टम को देखना और किसी की कोई सजेशन है, कोई कंप्लेन है उसको देख करके ऑल्टर वगैरह जो है वो करना। DSB meets monthly or regular basis, okay, with Director General of WTO presiding as the chair on special meetings. वो कह रहे कि monthly या फिर weekly और कोई एक regular interval पे meeting की जाएगी किसके साथ, जो भी WTO का Director General होगा उसके साथ वो meeting की जाएंगी, right? ठीक है। Next है, the DSB's decision making power confines to achievement of a consensus whereby no voting or individual consent is sought. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो DSB डिसीजन मेकिंग पावर कन्फाइंस ऑफ द अचीवमेंट कंसेंसस, ठीक है, वेयर बाय मतलब जो भी लोग आपस में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे उनके डिसीजन लेने की पावर बनती है, ना कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के वोटिंग राइट से, ठीक है। द चेयर आज द पास डिसीजन ऑन विच अ डिसेंट्राइज्ड बाय मेंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट लीड्स टू द डिसॉल्यूशन ऑफ द डिसीजन। द DSB मस्ट अप्रूव द डिसीजन इन केस ऑफ कंसेंसस आफ्टर फॉलोइंग द chronology of panel establishments, adoption of panel as well as appellate body reports and after grant of retaliation right to be aggrieved party. देखो क्या कि DSP जो है वो किसी decision को approve कब करेगी, जब पूरी तरीके से वो हर चीज को पढ़ लेगी, समझ लेगी, उसके बाद ही वो किसी तरीके से उस decision को grant करेगी कि वो लेना है या फिर नहीं लेना, right? Next part. The process of negative consensus comes into play when the member who wishes the creation of dispute settlement process, establishment, adoption or retaliation finds his application approved as an agenda in DSB. On adoption of reports, this member is solitary interest holder in passing of the decision. Right? ठीक है. Next हमें दे रखा है, chairperson of DSB is elected out of WTO members through a consensus decision. वही बात है कि जो chairperson है वो सब लोग आपस में बैठ करके जो है वो decide करेंगे. अब उसमें कह रहे हैं कि क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी उसको, to pass information to the members chairing the meeting, calling up and introducing the items on the agenda, giving the floor to delegates wishing to speak, proposing and if taken announcing the request decision. वो कह रहे हैं क्या करना, सबसे पहले जितने भी members हैं उनको हर एक चीज के बारे में बताना, meetings वगैरह को organize करना, ठीक है, और कोई भी agenda वगैरह उनके बारे में उसको initiate करना और जो लोग बोलना चाहते हैं उनको बोलने देना, to define on consultation with the parties in dispute, ठीक है। Next काम क्या है इनका, मतलब जो पार्टी डिस्प्यूट में है उनके लिए रूल्स एंड प्रोसीजर्स वगैरह जो है उनको डिसाइड करना, टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड फॉर कंसल्टेशन बाय डेवलपिंग कंट्री मेंबर्स ऑन कंसल्टेशन विद द पार्टीज इन डिस्प्यूट इफ पार्टीज फेल टू अग्री ऑन कंक्लूजन ऑफ कंसल्टेशंस। तो वो कह रहे कि जो इनका काम क्या है वो टाइम पीरियड को एक्सटेंड करना है, ठीक है, कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री के लिए कोई भी प्रॉब्लम है डिस्प्यूट का तो उनको देखना, ठीक है। अपॉन non-satisfactory consultations in case of dispute involving a least developed country member, the advice of Director General of WTO can be sought by the aggrieved member. वो कह रहे कि मान लो कोई भी consultation ठीक से नहीं हुई कोई भी मतलब developing country के case में, तो Director General का काम होगा उसके अंदर अपने decision को देखना कि जो aggrieved member है उसके साथ क्या नुकसान है, क्या problem है, इस चीज को देखना और ensure करना। Next आपको देखा panels,
for the purpose of adjudication of disputes between members, a tribunal, quasi-judicial or of 3 or 5 members is set up on ad hoc basis called the panel. वो कह रहा है कि मान लो कोई भी इंसिडेंट को डिसीजन लेना है उसके लिए तो एक पैनल बनाया जाएगा. नो पैनल इज परमानेंट, हेंस एवरी न्यू डिस्प्यूट हैज अ न्यू पैनल. वो कह रहा है कि पैनल बनाने का मतलब कोई परमानेंसी नहीं है, ये जस्ट ये कि टेम्परेरी बेसिस पे एक पैनल बनाया गया जिसका उस पर्टिकुलर डिसीजन, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है उसके से रिलेटेड कोई सोल्यूशन होगा. राइट, मेंबर्स ऑफ पैनल इंक्लूड क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट पर्सन who have served as panelists or representative of member nation. वो क्या है कि जो members of panel है वो क्या है, वो qualified होंगे and independent persons होंगे जिन्होंने कभी ना कभी पहले से panel वगैरह में member nations में से काम किया होगा. Right, after considering the factual and legal aspects, the panel submits a report on the claims made by the complainant and inconsistencies existing with WTO agreement. वो क्या है कि जब पैनल बन गया तो सारी फैक्चुअल और लीगल एस्पेक्ट्स को देखने के बाद पैनल जो है रिपोर्ट को सबमिट करेगा कि जो भी कंट्री है जिसके से दिक्कत हुई है उसने क्या क्या चीजों को फॉलो नहीं किया और ये इनकंसिस्टेंसी क्यों आई है. जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स. चलो आगे देखते हैं. Appellate body. So, appellate body was established in 1995 by the DSB. Members of this body are elected for a team of four years with single reappointment. A member must possess expertise in law, international trade or matters related to agreements. The members of the appellate body are chosen from the representative member nations of WTO. Okay? But work independently of its influence. So, 3 or 4 members are chosen from developing countries. A chairman is chosen out of these 7 members who serves for maximum 2 years. ठीक है, तो उन्हें क्या क्या एक appellate body को 1995 में establish किया गया. वो कह रहे कि इनको कैसे किया जाता है, 4 year के term पे select किया जाता है. ठीक है, with single reappointment. अगर reappointment होगी तो बस एक ही बार होगी, बार बार नहीं हो सकती. A member must process, देखो उसको law में एक्सपर्टीज होना पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड उसे पता होना चाहिए, उसके मैटर पता जो कि आप पढ़ रहे हो, ये सब चीजें. और द मेंबर ऑफ एपलेट बॉडी आर चूजन फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर नेशंस ऑफ डब्ल्यूटीओ. मतलब जो डब्ल्यूटीओ के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होंगे उन्हीं में से होगा. मतलब वही बात है कि किसी भी केस में आप किसी भी एक्सटर्नल पर्सन को, एक्सटर्नल किसी इंसान को काउंट नहीं करते. राइट, सो 3 or 4 मेंबर्स आर चूजन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज. 3 या 4 मेंबर जो है डेवलपिंग कंट्रीज से चूज किए जाएंगे. ठीक है, आगे a chairman is chosen out of these 7 members who serves for maximum 2 years. ठीक है, चलो next है arbitrators. So arbitrators को मैंने आपसे पहले भी समझाया था. मतलब arbitrator is something like जो बहुत ज्यादा like arbitrary का मतलब होता है students. मतलब कोई चीज तो बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट्स के साथ सच नहीं है. मतलब तुमने बोल दिया, तुमने कह दिया, बट उतना वो ट्रू नहीं है. देखते हैं यहाँ पे इसका क्या मतलब है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस एडजुडिकेशन ऑन सर्टेन क्वेश्चंस कैन बी स्पेशली रेफर्ड टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड द आर्बिट्रेटर्स. दे एक्ट एज एन ऑल्टरनेटिव टू डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस थ्रू पैनल एंड एपेलेट बॉडी चैनल. सो लाइक मतलब जैसे कि मतलब उन्होंने जो भी किया उनसे सवाल जवाब करने के लिए एक रैंडम कोई सिचुएशंस दे करके उनके आंसर रिकॉर्ड करना. मतलब जो शायद हुए भी नहीं वो उस तरह के रैंडम क्वेश्चंस पूछना और उसके ऊपर आंसर देखना कि क्या वो क्या कर रहे हैं. मैंने पार्टी टू रिटेलिएशन 6 आर्बिट्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट. तो स्टूडेंट्स देखो पहले आप जो भी WTA का पूरा प्रोसीजर है वो इसको यहां तक पढ़ो, क्या इसके फंक्शन है, क्या क्या बॉडीज है, ये पूरा का पूरा अच्छे से इसको यहां तक पढ़ के रखें. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट के जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है उस डिस्प्यूट सेटलमेंट का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से डिस्प्यूट को सेटल जो है WTO के अंदर किया जाएगा. राइट, कीप दैट टिल देन स्टूडेंट्स. टिल देन सब कुछ अच्छे से पढ़ के ना, टेक केयर, बाय.